तो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के बाद का पहला स्मैकडाउन, यानी कि यहां पर हमें काफी सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है और फैंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज अब जो भी चीजें हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी रेसलमेनिया से रिलेटेड, क्योंकि उसे होने में बचे अब लगभग एक महीने और WWE ने ऑलरेडी कई सारी बड़ी चीजें अभी से ऑफिशियल कर दी है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गाइस जॉन मॉक्सली का मैच किस फॉर्मर WWE के वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट हो चुका है ऑफिशियल। देन सबसे पहले हम जॉन मॉक्सली से रिलेटेड अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जॉन मॉक्सली से रिलेटेड मैं चैनल पर रेगुलर अपडेट देता रहता हूं, ज्यादातर उनके रिटर्न से रिलेटेड कुछ अपडेट आती है तब देता हूं, बट गाइस इस बार कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ है। आप सबको पता ही है जॉन मॉक्सली ने AEW में जनवरी के मंथ में अपना रिटर्न किया था और उसके बाद से उनके एंड फॉरवर्ड WWE के वर्ल्ड चैंपियन डैनियल ब्रायन के बीच हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था। और फाइनली इस वीक के AEW डायनामाइट के एपिसोड में ब्रायन डैनियलसन यानी कि डैनियल ब्रायन ने एक्सेप्ट कर लिया जॉन मॉक्सली का चैलेंज और गाइस इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है रेवोल्यूशन पेपरव्यू के लिए जो कि होने वाला है मार्च 6 को। इसलिए गाइस ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था तो मैंने सोचा आप सबको इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि यहां पर दो फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन आपस में भिड़ने वाले हैं। आप किसे सपोर्ट करें हो इस मैच में, जॉन मॉक्सली या फिर डैनियल ब्रायन को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए अपने स्मैकडाउन से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दी वो है एक सिंगल्स मैच ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैडकैप मॉस का। जैसा कि गाइस हम सब ने इनका मैच डे वन में भी देखा था एलिमिनेशन चैम्बर पेपरव्यू में, तो ये पॉसिबली लास्ट बार होने वाला जब ये दोनों आएंगे आमने सामने, बिकॉज अब ड्रू मैकइंटायर के लिए नेक्स्ट होने वाले है किंग कॉर्बिन या कहा जाए हैप्पी कॉर्बिन। एंड क्या पता इस वीक के स्मैकडाउन में ही हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाए रेसलमेनिया 38 के लिए। इसके बाद जो गाइस WWE ने नेक्स्ट थिंग ऑफिशियल कर दिए वो है हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन से रिलेटेड। वो हमें अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए दिखने वाले, जैसा कि उन्होंने लास्ट वीक ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी तो इस वीक उनका सेलिब्रेशन बनता ही था। और गाइस हम में से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिज़ारो पॉसिबली आने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर में, लेकिन गाइस एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है कि सिज़ारो ने WWE को कर दिया है लीव, यानी कि WWE और सिज़ारो के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका है एक्सपायर और दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई भी डील साइन नहीं की, यानी कि सिज़ारो गाइस अब WWE के सुपरस्टार नहीं है और उन्हें रिलीज नहीं किया गया, उन्होंने खुद छोड़ा है, तो वो चाहे भी तो इस वीक AEW या फिर किसी और प्रमोशन में जा सकते हैं। अब हम सब यही होप करेंगे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो सैमी ज़ेन के बारे में बात की जाए तो हो सकता है शिंसुके नाकामुरा के साथ उनकी फ्यूड कंटिन्यू रहे या फिर WWE एक मल्टीपर्सन मैच करवाने के बारे में सोचे रेसलमेनिया 38 में, बिकॉज हम सब जानते ही है जब भी मिड कार्ड चैंपियनशिप की बात आती है देन हमें लैडर मैच वगैरह देखना ही पसंद होता है। तो देखते हैं WWE क्या इस रेसलमेनिया में लैडर मैच करवाती है या फिर नहीं, जिसके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं सेमस, रिकोशे, शिंसुके नाकामुरा एंड और भी एक दो सुपरस्टार। वैसे आप कौन सा मैच देखना चाहते हो WrestleMania 38 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद गाइस नेक्स्ट बात की जाए रोंडा रोजी एंड शार्लोट फ्लेयर के बारे में। जैसा कि एलिमिनेशन चैम्बर के पेपरव्यू में रोंडा रोजी की टैग टीम पार्टनर थी नेओमी एंड शार्लोट की सोनिया डेविल, और वहां पर रोंडा रोजी की एक हाथ बंदी हुई थी फिर भी उनकी टीम की जीत हुई इस मैच में। और इस वीक के स्मैकडाउन से पॉसिबली रोंडा रोजी एंड शार्लोट फ्लेयर की एक सिंगल्स फ्यूड स्टार्ट होने वाली है, यानी कि नेओमी एंड सोनिया डेविल साइड हो जाएगी। क्या पता उनका हमें अलग सिंगल्स मैच देखने को मिल जाए रेसलमेनिया में। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया 35 के टाइम हम सबने काफी कुछ खतरनाक ब्रॉल वगैरह देखा था रोंडा रोजी, शार्लोट फ्लेयर एंड बेकी लिंच, तो ऐसा ही कुछ हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। लेकिन हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में हो सकता है हमें सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोमो सेगमेंट देखने को मिले या फिर नॉर्मल सा ब्रॉल या फिर अटैक देखने को मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिए इस वीक के स्मैकडाउन के लिए वो है यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड WWE चैंपियन ब्रॉक लेजर के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। जैसा कि मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेजर ने खुद कहा था पॉल हेमन को कि वो इस वीक के स्मैकडाउन में आने वाले हैं रोमन रेंस के लिए, और ज्यादातर अब हमें ब्रॉक लेजर स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले, क्योंकि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया ही है, तो WWE रोमन वर्सेस ब्रॉक में ज्यादातर चीजें स्मैकडाउन में ही दिखाना चाहेगी। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में इनके बीच क्या कुछ हो सकता है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, बट शॉर्ट में बात की जाए देन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो देखने को मिल ही रहा है, बट ये नॉर्मली एंड होगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, बिकॉज ब्रॉक लेजनर इस वीक के स्मैकडाउन में काफी ज्यादा गुस्से में होने वाले। सबसे पहले तो स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगाया था ब्रॉक लेजनर को, एंड रॉयल रंबल में ब्रॉक लेजनर पर अटैक कर उन्हें WWE चैंपियनशिप मैच हरवा दिया। सो ब्रॉक लेजनर ने फिर जीत लिया WWE चैंपियनशिप, इसलिए उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। लेकिन अब फिर भी रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजनर आमने सामने आ रहे हैं, तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके बीच एक्शन हो सकता है। हमें ब्रॉक लेजनर सिर्फ उस पर ही अटैक करते हुए दिखे, या फिर हो सकता है वो हमें रोमन रेंस पर भी अटैक करते हुए दिख जाए।
एंड अगर WWE बात के लिए ब्रॉल वगैरह बचा कर रखना चाहती हो तो इस वीक आप सबको रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल सकता है। सो गाइस, यही कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है इस वीक के स्मैकडाउन में किसे अपर हैंड मिलने वाला है, रोमन रेंस को या फिर ब्रॉक लेसनर को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के बाद का पहला स्मैकडाउन, यानी कि यहाँ पर हमें काफी सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है और फैंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज अब जो भी चीजें हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी रेसलमेनिया से रिलेटेड, क्योंकि उसे होने में बचे अब लगभग एक महीने और WWE ने ऑलरेडी कई सारी बड़ी चीजें अभी से ऑफिशियल कर दी है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गाइस जॉन मॉक्सली का मैच किस फॉर्मर WWE के वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट हो चुका है ऑफिशियल। देन सबसे पहले हम जॉन मॉक्सली से रिलेटेड अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जॉन मॉक्सली से रिलेटेड मैं चैनल पर रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, ज्यादातर उनके रिटर्न से रिलेटेड कुछ अपडेट आती है तब देता हूँ, बट गाइस इस बार कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ है। आप सबको पता ही है जॉन मॉक्सली ने AEW में जनवरी के मंथ में अपना रिटर्न किया था और उसके बाद से उनके एंड फॉरवर्ड WWE के वर्ल्ड चैंपियन डैनियल ब्रायन के बीच हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था। और फाइनली इस वीक के AEW डायनामाइट के एपिसोड में ब्रायन डैनियलसन यानी कि डैनियल ब्रायन ने एक्सेप्ट कर लिया जॉन मॉक्सली का चैलेंज और गाइस इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है रेवोल्यूशन पेपरव्यू के लिए जो कि होने वाला है March 6 को। इसलिए गाइस ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था तो मैंने सोचा आप सबको इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन आपस में भिड़ने वाले हैं। आप किसे सपोर्ट कर रहे हो इस मैच में, जॉन मॉक्सली या फिर डैनियल ब्रायन को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए अपने स्मैकडाउन से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो सबसे पहली चीज जिसे WWE इन्हें ऑफिशियल कर दी वो है एक सिंगल्स मैच ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मैडकैप मॉस का। जैसा कि गाइस हम सब ने इनका मैच डे वन में भी देखा था और देखा था एलिमिनेशन चैम्बर पेपरव्यू में, तो ये पॉसिबली लास्ट बार होने वाला जब ये दोनों आएंगे आमने सामने, बिकॉज अब ड्रू मैकइंटायर के लिए नेक्स्ट होने वाले है किंग कॉर्बिन या कहा जाए हैप्पी कॉर्बिन। एंड क्या पता है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाए रेसलमेनिया 38 के लिए। इसके बाद जो गाइस WWE ने नेक्स्ट थिंग ऑफिशियल कर दिए वो है हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन से रिलेटेड। वो हमें अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए दिखने वाले, जैसा कि उन्होंने लास्ट वीक ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी तो इस वीक उनका सेलिब्रेशन बनता ही था। और गाइस हम में से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिजारो पॉसिबली आने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर में, लेकिन गाइस एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है कि सिजारो ने WWE को कर दिया है लीव, यानी कि WWE और सिजारो के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका है एक्सपायर और दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई भी डील साइन नहीं की, यानी कि सिजारो गाइस अब WWE के सुपरस्टार नहीं है और उन्हें रिलीज नहीं किया गया, उन्होंने खुद छोड़ा है, तो वो चाहे भी तो इस वीक AEW या फिर किसी और प्रमोशन में जा सकते हैं। अब हम सब यही होप करेंगे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो सैमी ज़ेन के बारे में बात की जाए तो हो सकता है शिंसुके नाकामुरा के साथ उनकी फ्यूड कंटिन्यू रहे या फिर WWE एक मल्टीपर्सन मैच करवाने के बारे में सोचे रेसलमेनिया 38 में, बिकॉज हम सब जानते ही है जब भी मिड कार्ड चैंपियनशिप की बात आती है दन हमें लैडर मैच वगैरह देखना ही पसंद होता है। तो देखते हैं WWE क्या इस रेसलमेनिया में लैडर मैच करवाती है या फिर नहीं, जिसके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं सेमस, रिकोशे, शिंसुके नाकामुरा एंड और भी एक दो सुपरस्टार। वैसे आप कौन सा मैच देखना चाहते हो रेसलमेनिया 38 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद गाइस नेक्स्ट बात की जाए रोंडा रोजी एंड शार्लोट फ्लेयर के बारे में। जैसा कि एलिमिनेशन चैम्बर के पेपरव्यू में रोंडा रोजी की टैग टीम पार्टनर थी नेओमी एंड शार्लोट की सोनिया डेविल और वहां पर रोंडा रोजी की एक हाथ बंदी हुई थी, फिर भी उनकी टीम की जीत हुई इस मैच में। और इस वीक के स्मैकडाउन से पॉसिबली रोंडा रोजी एंड शार्लोट फ्लेयर की एक सिंगल्स फ्यूड स्टार्ट होने वाली है, यानी कि नेओमी एंड सोनिया डेविल साइड हो जाएगी। क्या पता उनका हमें अलग सिंगल्स मैच देखने को मिल जाए रेसलमेनिया में। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया 35 के टाइम हम सबने काफी कुछ खतरनाक ब्रॉल वगैरह देखा था रोंडा रोजी, शार्लोट फ्लेयर एंड बेकी लिंच, तो ऐसा ही कुछ हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। लेकिन हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में हो सकता है हमें सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोमो सेगमेंट देखने को मिले या फिर नॉर्मल सा ब्रॉल या फिर अटैक देखने को मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE इन्हें ऑफिशियल कर दिए इस वीक के स्मैकडाउन के लिए वो है यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। जैसा कि मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर ने खुद कहा था पॉल हेमन को कि वो इस वीक के स्मैकडाउन में आने वाले हैं रोमन रेंस के लिए, और ज्यादातर अब हमें ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले, क्योंकि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया ये, तो WWE रोमन वर्सेस ब्रॉक में ज्यादातर चीजें स्मैकडाउन में ही दिखाना चाहेगी। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में इनके बीच क्या कुछ हो सकता है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, बट शॉर्ट में बात की जाए देन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो देखने को मिल ही रहा है, बट ये नॉर्मली एंड होगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है बिकॉज
ब्रॉक लेसनर इस वीक के स्मैकडाउन में काफी ज्यादा गुस्से में होने वाले। सबसे पहले तो स्मैकडाउन में रोमन रेंज ने सुपरमैन पंच लगाया था ब्रॉक लेसनर को एंड रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर उन्हें WWE चैंपियनशिप मैच हरवा दिया। सो ब्रॉक लेसनर ने फिर जीत लिया WWE चैंपियनशिप, इसलिए उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। लेकिन अब फिर भी रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर आमने सामने आ रहे हैं, तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके बीच एक्शन हो सकता है। हमें ब्रॉक लेसनर सिर्फ उसोस पर ही अटैक करते हुए दिखे, या फिर हो सकता है वो हमें रोमन रेंज पर भी अटैक करते हुए दिख जाए। एंड अगर WWE बात के लिए ब्रॉल वगैरह बचा कर रखना चाहती हो, तो इस वीक आप सबको रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर का एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल सकता है। सो गाइज, यही कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है इस वीक के स्मैकडाउन में किसे अपर हैंड मिलने वाला है, रोमन रेंज को या फिर ब्रॉक लेसनर को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।